अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत लोग इस चीज को लेकर बहुत मायूस होते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती और अल्लाह ताला से शिकायतें करते हैं कि हमारी दुआ अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं करता। तो इस बात को रिलेटेड मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाती हूँ, तो सुनिए। फासिक, फाजिर और काफिर जब ये दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने फरिश्तों से, इसकी दुआ जल्दी से कबूल कर लो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं है, मुझे इसकी आवाज अच्छी नहीं लग रही, जो भी ये मांग रहे हैं इन्हें इसे दे दो। अगर कोई अल्लाह का प्यारा और अल्लाह का नेक अल्लाह ताला से कुछ दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाते हैं कि फरिश्तों इसे अभी कुछ मत देना, इसका मांगना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से मुझसे मांगता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ इसीलिए कबूल नहीं करते कि हम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदों में से हैं। अल्लाह से कभी मायूस मत होना कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं करी, बल्कि खुश होना कि अल्लाह ताला हमें वक्त आने पर सब कुछ देगा, क्योंकि हर चीज का वक्त मुकर्रर है और मुकर्रर अल्लाह ने कर रखा है कि इसको इस वक्त पर ये चीज मिलेगी। तो सब्र रखे, अल्लाह ताला से मांगते रहिए, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। आई होप कि आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।